नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आज के मेरे न्यूज़ ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को ये कटोली की सब्जी बना के दिखाने वाली हूँ, जिसको अपन लोग आमतौर पे खेक्सी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं ये सब्जी कैसे बनाती हूँ और इसमें क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और देखिए मैं ये सब्जी कैसे बना रही हूँ। और यहाँ मैंने कुछ कटोले ले लिए हैं और मैंने अब इनको बारीक से काट लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ मैंने ली है 3-4 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कली और ये प्याज और ये 2 बड़े टमाटर। अब इनको एक जार में डाल के इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। जैसे कि मैंने प्याज और लहसुन को एक साथ पीस रही हूँ और इनकी ग्रेवी बना लेते हैं सबसे पहले। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्रेवी बना ली है मैंने। और अब टमाटर और हरी मिर्च को भी पीस के इनकी भी ग्रेवी बना लेते हैं। और ये मैंने कुछ आलू भी उबाल रखे हैं। और अब गैस ऑन करके मैंने इस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। और अब इसमें मैंने डाल दिया है तेल। और ये कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा और ये हींग पाउडर। हींग पाउडर डालने से इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और अब ये जो ग्रेवी बना रखी थी प्याज मसाले की, इसको अपन पहले अच्छे से सेक लेते हैं तेल में। और ये प्याज का रंग चेंज हो गया है, इसका मतलब ये कि अपना प्याज सीख के एकदम अच्छे से रेडी है। और आप लोग देख सकते हो प्याज ने तेल भी छोड़ दिया है। और ये जो टमाटर पीस के रखा था उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले, ताकि मसाला भी थोड़ा सिक जाए इसके अंदर। तो ऐसे अपन 5 मिनट में ऐसे चम्मच फेरते रहेंगे, ताकि ये मसाला चिपके भी ना और अच्छे से सिक भी जाए। और ये जो आलू उबाल के रखे थे, अब इसमें ये डाल देते हैं आलू। और अब इसमें ये कटोले भी डाल देते हैं फाइनली, क्योंकि अपना मसाला सिक के रेडी है। तो ये आलू और कटोले को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। अब एक छोटे ग्लास से 1 ग्लास पानी डाल देते हैं इसमें, ताकि ये कटोला अच्छे से उबल जाए। और इसमें अच्छे से चम्मच फेर देते हैं पहले। और अब ये ढक्कन देके 15 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और ये अपनी सब्जी उबल के रेडी है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच मलाई ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, अपने सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और इसको अच्छे से चम्मच में मिक्स कर लेते हैं। और ये फाइनली अपना कटोले की सब्जी बन के रेडी है। और देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है। जैसे कि आप
लोग देख रहे हो फाइनली मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, ये कटोले की सब्जी मैंने बना ली है और मैंने इसके साथ चावल भी बनाया है, रोटी भी है। आप लोग चाहो तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो। मुझे ज़्यादा चावल पसंद है इसलिए मैंने चावल बना रखा है। और आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना घर पे ज़रूर, बहुत अच्छा बनेगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सब्जी बना के आप ट्राई करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।